हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग इलेवन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनबीएल लीग में जो आज का पहला मुकाबला होने वाला है एमयू वर्सेस टीजेजे के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है। इस मैच में क्या बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किसको ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोली के और कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन व्यू में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के प्लेयर के हर प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल लीग पिक के बारे में। तो स्मॉल लीग में एमयू के बारे में बात करें, जलुआला कुल को अपनी टीम में एज एमयू स्मॉल लीग में लेकर चलिए। क्लैब अगार्ड आपके पास बेस्ट पिक है। स्मॉल लीग में एमयू की तरफ से दोनों प्लेयर को आप अपनी स्मॉल लीग टीम में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। स्मॉल एमयू की तरफ से बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है, दोनों टीम को प्लेयर को आप अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। टीजेजे के बारे में बात करें, जोस मैगटे और जोस एडम्स आपके पास बेस्ट पिक स्मॉल लीग में होने वाले। जोस मैगटे के बारे में बात करें, 706 पॉइंट करके 216 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले किया, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। जोस एडम्स के बारे में बात करें, 605 पॉइंट अभी तक इन्होंने इस लीग में कवर करके 204 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले किए, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। जलुआला कुल के बारे में बात करें, 643 इस लीग में अभी तक लीग पॉइंट कवर करके। करियर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 304 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, हर मैच में 20 या 20 से ज़्यादा पॉइंट कवर करते हैं। क्लैब अगार्ड के बारे में बात करें तो इस लीग में 634 पॉइंट करके 176 अभी तक लीग मैच प्ले करके थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ही अच्छे खासे टॉप पिक प्लेयर है दोस्तों। तो समोह लीग के लिए आपके लिए चारों प्लेयर बेस्ट पिक होने वाले, तो इन चारों प्लेयर को आप अपने समोह लीग में जरूर लेकर चलिए। ग्रैंड लीग के बारे में बात करें, एमयू की तरफ से ब्रैड नेवले और मैसम पैटलिंग आपके पास बेस्ट पिक है एमयू की तरफ से ग्रैंड लीग के लिए होने वाले। इनको आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चलिए, क्योंकि रिस्की प्लेयर है, रिस्की प्लेयर को आप समोह लीग में ड्रॉप लेकर चले तो ये आपके लिए फायदा होने वाला है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टीजेजे के बारे में, जैरड विक्स और विल मैगने को अपनी टीम में टीजेजे की तरफ से लेकर चलिए, आपके लिए बेस्ट पिक होने वाला है। ग्रैंड लीग पिक में आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन आने वाला है, तो इनको आप समोह लीग से दूरी रखें तो ही फायदा होने वाला है। रिस्की प्लेयर है, एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन थोड़ा रिस्की प्लेयर है, तो अगर टॉप से टॉप प्लेयर आपको समोह लीग में लेकर चलने होते हैं, समोह लीग में रिस्की प्लेयर को क्यों नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि समोह लीग में कॉन्टेस्ट कम होने के कारण हमको टॉप से टॉप प्लेयर लेकर चलने पड़ते हैं, इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। की प्लेयर फॉर्म के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं की प्लेटफॉर्म के बारे में। तो टॉपिक में सबसे पहले एमयू के बारे में बात करें, क्रिस गोल्डिंग को अपनी टीम एज पॉइंट गार्ड रूम में, साई एली को अपनी टीम एज शूटिंग गार्ड रूम में, स्लाइब अगार्डा को अपनी टीम एज स्मॉल फोर्ड रूम में, जैक वाइट को अपनी टीम में एज स्मॉल फोर्ड ग्रुप में बेस्ट पिक होने वाले, और जोल वाल आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर में होने वाले। तो एमयू की तरफ से टॉप पिक प्लेयर दोस्तों, तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होना है। टीजीजे के बारे में बात करें, जॉस मैगटे आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड ग्रुप में, सैम मैकडीनल आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड, जॉस एडम्स को अपनी टीम एज स्मॉल फोर्ड ग्रुप में, विल मैगने को एज सेंटर में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होना है। टीजीजे की तरफ से बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर, तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होना है। की प्लेटफॉर्म पर बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करें, पहले हम आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में विजन आयन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप विजन आयन को डाउनलोड करें। विजन आयन को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आप विजन आयन पर कमा सकते हैं। एंट्री फीस में कम है, कॉम्पिटिशन में कम है, और विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। बाकी ऐप से कंपेरिजन करते हैं, सबसे कम एंट्री फीस सिर्फ और सिर्फ आपको विजन आयन पर देखने को मिलेगी। तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर, हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन सिर्फ और सिर्फ विजन आयन पर देखने को मिलेगी। तो आप अपनी बेस्ट से बेस्ट ड्रीम टीम सिर्फ और सिर्फ विजन आयन पर तैयार कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन आयन पर तैयार करें, और हमारा रेफर कोड यूज करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले एमयू के बारे में बात करें, क्रिस गोल्डिंग एज पॉइंट गार्ड ग्रुप में 625 पॉइंट कर गए, साई ली ने एज शूटिंग गार्ड ग्रुप में 633 पॉइंट करे, ब्रैड नेवले ने एज शूटिंग गार्ड ग्रुप में 168 पॉइंट कर गए, क्लैब अगार्डा ने एज स्मॉल फोर्ड ग्रुप में 634 पॉइंट कर गए, जैक वाइट ने एज स्मॉल फोर्ड ग्रुप में 342 पॉइंट कर गए। एमयू की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में यह प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आप अपनी टीम में एमयू की तरफ से लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होना है। टीजीजे के बारे में बात करें, जोस मैगटे ने एज पॉइंट गार्ड रूम में 706 पॉइंट करके, जैक मैगवेग ने एज शूटिंग गार्ड रूम में 495 पॉइंट करके, मैगडीनल ने एज शूटिंग गार्ड रूम में 345 पॉइंट करे, जोस एडम ने एज स्मॉल फोर्ड रूम में 605 पॉइंट करे, जेरड विक्स ने एज स्मॉल फोर्ड रूम में 152 पॉइंट करके। तो टीजेजे की तरफ से बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस में आपको प्लेयर देने मिल जाएंगे, हर मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, तो इनमें से आप अपने ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले
आपको कोई भी लॉस लेने वाला है। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो दोनों टीमों में से तीन तीन प्लेयर आपके पास बेस्ट पिक है जो कैप्टन वाइस कैप्टन को माने वाले। क्रिस गोल्डिंग एमयू की तरफ से पॉइंट गार्ड के साथ साथ 13 के लेवल क्रेडिट ले लो, तो आप अपनी ग्रैंड लीग में कैप्टन रूम में मौका दे सकते हैं। जैक व्हाइट को आप अपनी टीम में स्मॉल फोर्ड के साथ साथ ग्रैंड लीग में और समो लीग में वॉइस कैप्टन रूम में अच्छा खासा पिक होने वाले। जॉल वॉल को अपनी टीम में एज सेंटर के साथ साथ समो लीग में कैप्टन रूम में लेकर चले तो आपके पास बेस्ट पिक होने वाले। जोस मैगेटे के बारे में बात करें, टी जे जे की तरफ से एज पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, 18 के लगभग क्रेडिट है। ग्रैंड लीग समो लीग दोनों टीम में कैप्टन रूम में बेस्ट पिक होने वाले। मैकडेनियल को अपनी टीम में एज शूटिंग गार्ड के साथ साथ समो लीग में वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होने वाले। जोस एडम्स को आप अपनी टीम में स्मॉल फोर्ड के साथ साथ एज ए कैप्टन रूम में बेस्ट पिक होने वाला है, तो चाहे आप समो लीग टीम ना चाहे ग्रैंड लीग टीम ना, इन्हीं छह प्लेयर में से आप अपने कैप्टन वॉइस कैप्टन लेकर चलिए। इनके अलावा आपके पास और कोई अच्छा खासा ऑप्शन नहीं होने वाला है। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताएं बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके स्क्वाड की तरफ जरूर नजर मार लें। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक किए, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में यह प्लेयर खेलने वाले हैं। बाकी हम आपको लाइनअप आने पर टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो आज आप अपनी ड्रीम टीम में पॉइंट गार्ड के बारे में बात करें, जोस मैगेटे आपके पास एक अच्छा खासा टी जी जे की तरफ से और डेलाडोवा को अपनी टीम में एमयू की तरफ से जिस पॉइंट गार्ड के रूप में मौका दे सकते हैं। ग्रैंड लीग में आपके लिए बेस्ट पिक होने वाली 71 के लेवल सेलेक्टिव, मैगेटे के बारे में बात करें 78 के लेवल सेलेक्टिव परसेंट है। अब हम बात करते हैं शूटिंग गार्ड के बारे में, तो मैकवेग आपके पास एक अच्छा खासा टी जी जे की तरफ से और इली आपके पास एमयू की तरफ से बेस्ट ऑप्शन शूटिंग गार्ड के रूप में देखने में मिल जाएंगे, तो आप अपनी टीम में मौका दे सकते हैं। गार्ड आपके पास एमयू की तरफ से एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में बेस्ट पिक होने वाले। पावर फोर्ड के बारे में बात करें, स्टैंडल को अपनी टीम में एज ए पावर फोर्ड टी जी जे की तरफ से बेस्ट पिक होने वाले। सेंटर के बारे में बात करें, मैकटॉल्स को अपनी टीम में एज ए सेंटर, लुआल को भी आपके पास बेस्ट पिक होने वाले, लेकिन पहले टीम में आज अपनी टीम में मौका दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सभी टॉप प्लेयर को लेकर चलें, यह प्लेयर पॉइंट की भी आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, तो आप अपनी पहली टीम में मैकटॉल्स को अपनी टीम में एज ए सेंटर रूम में और कार्लोस स्लोविक को भी आप अपनी टीम में एज ए सेंटर रूम में मौका दे सकते हैं, आपके लिए बेस्ट पिक होने वाले। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, जोस मैगेटे अपनी टीम में एज कैप्टन रूम में और इली को एज ए वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चले, तो आपको कोई भी लॉस नहीं वाला। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और आपने अभी तक विजेल डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आपको विजेल ने मौका दे रखा है। हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन देने मिलेगी, तो आप अपनी बेस्ट से बेस्ट ड्रीम टीम सिर्फ और सिर्फ विजेल पर तैयार कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है।